खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। एबीपी न्यूज के पास एक फोन कॉल, रिकॉर्डेड फोन कॉल आया है। ये एक शख्स मुशर्रफ का है जो ये दिल्ली में अग्निकांड हुआ है उसमें एक कमरे में साफ तौर पर अपनी मौत को देख रहा था। उसे पता था कि अब कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का। उसने अपने दोस्त मोनू को फोन किया, आप सुनिए आपकी रूह फाख्ता हो जाएगी। आखिरी वो बातचीत, आखिरी फोन कॉल, और उसमें क्या कुछ कहा मुशर्रफ ने अपने दोस्त मोनू को। हेलो, हाँ बोलो। हाँ भैया, खत्म होने वाला आज, खत्म होने वाला, आग लगने वाली है। हाँ? भैया आज ये करोल बाग, मोनू से नंबर ले लियो, वो जो मोनुआ का गुलजार। हाँ इस टाइम कमरे में भागना, कई रात का नहीं, आग लग गई भाई दिल्ली। हाँ उतर निकल लो वहां से। नहीं है मोनू कहीं को रास्ता भागने का भैया। हाँ? भागने का रास्ता नहीं है, वो बड़ी खत्म हुआ आज भैया। मैं अब देखे घर का भैया ध्यान नहीं किया मेरे। अब मेरे भाई ठीक है, तू जगह भैया। अब देखे सुन पल। हाँ भैया साथ भी नहीं दिया जा रहा मोनू, अब साथ भी नहीं दिया जा रहा। आप कैसे लगती? पता नहीं दे, मतलब अल्लाह देखे भैया साथ कर दिया। अरे और भी जगह दाह लाए कई सारे है, तो निकलना कई बात तो नहीं फोन करता। नहीं कुछ नहीं हो रहा, लेना उसे कॉल करते ना, पहुंचा जो पानी पानी वाली। हाँ अब कुछ ना बोलू बस, पाँच दिन भैया आ देखे यार भैया, घर का ध्यान मेरे भैया देखे। हाँ पानी वाली कॉल करते हो ना भैया, देखो कुछ नहीं हो रहा भाई। हम्म, कैसे लगते मोनू? देखे मेरे बच्चों का, मेरे घर का ध्यान रखिए मेरे भैया। ऐसे कितने लोग होंगे, सांस नहीं ले पा रहे थे, पीछे से आप आवाज सुन रहे थे, कोई करा रहा था, उन सबको पता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। और ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, वहां पूरे इलाके में इसी तरीके से वेंटिलेशन का कोई जरिया नहीं है और लोग मजबूर है काम करने के लिए।